जिले में कोरोना के आज 17 नए मामले सामने आए। जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जराये ने बताया कि आज यानी 8 जुलाई को जिले में कोरोना के 17 नए मुस्बत मामले सामने आए। इस तरह अब तक जिले में कोरोना मरीजों की जुमला तादाद 1615 हो गई है, जबकि इनमें 442 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नेताजी नगर रोड और पटेल रोड के व्यापारियों ने आज ये फैसला किया कि जिले में बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए कल से 9 जुलाई से दुकानों के औकात सुबह 7:30 से दोपहर 3:30 तक ही रखे जाएंगे। इन्होंने आवाम से अपील की है कि अगले ऐलामिया तक ये दुकाना सुबह 7:30 से 3:30 के दरमियान ही खुली रहेंगे। इसी दौरान शॉपिंग की जा सकती है। पटेल रोड और नेताजी रोड पर यानी शराब बाजार और पटेल रोड का बाजार, ये दो बाजार सुबह 7:30 से शाम 3:30 बजे तक ही रहेंगे। महबूब नगर का मुनीराबाद रेलवे लाइन नसब करने के लिए जमीन हासिल करने के लिए जमीन की कीमतों के तयन का एक इजलास मुनाकिद किया जाएगा। जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के जराये ने बताया कि 17 जुलाई को सिंधनूर तालुके के मुख्तलिफ मौजात के अवाम के साथ सिंधनूर में एक इजलास जुलाई 17 की सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिद किया जाएगा। इसमें रेलवे लाइन की नसब मुनीराबाद से महबूब नगर तक जाने वाली रेलवे पटरियों की तनसीब के लिए जो जमीन आ रही है उस जमीन के मालकान को उनकी कीमत मुकर्रर की जाएगी। ये अहम इजलास कोंतनूर, शांति नगर, गोरेबाल, रवड़ा कुंदा, सासलमरी, होसरली और सिंधनूर के दीगर मौजात के अवाम के लिए रहेगा। खिदमत में तसाहुली बरतने वाले 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा तालीमात के डिप्टी डायरेक्टर BH गोनाल ने बताया कि SSLC इम्तिहानात के दौरान खिदमत में तसाहुली करने वाले 3 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। इन्होंने बताया कि सिंधनूर के एक इम्तिहानी मरकज में CCERFA क्वेश्चन पेपर तकसीम करने के बजाय CCERB क्वेश्चन पेपर तकसीम किए गए। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर अदल बदल होने की वजह से भी इन असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तलशुदा असातिज़ा के नामों में शिव कुमार, एम हिरण्णा और सुनीता जिंगाड़े शामिल हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क जरूर पहने, जिला SP की हिदायत। जिला SP डॉक्टर CB वेदामूर्ति ने आज आवाम को हिदायत दी कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वो मास्क जरूर पहने। मौसूफ आज रोजा आशापुर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। मौके पर इन्होंने शजरकारी में हिस्सा लेते हुए बाद वहाँ पर मौजूद आवाम को खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने चेहरे पर जरूर मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, साथ सामाजिक फासले का मुकम्मल ख्याल करें।